हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। आज हम जानेंगे 8 चिरंजीवी के बारे में जो पृथ्वी के अंत तक जीवित रहने वाले हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसे 8 चिरंजीवी मौजूद हैं जो अमर हैं और कलयुग में भी जीवित हैं। मान्यताओं के अनुसार उनका अस्तित्व पृथ्वी के अंत तक रहने वाला है। आइए जानते हैं कि उन्हें ये वरदान किस प्रकार प्राप्त हुए। चिरंजीवी उसे कहा जाता है जो अमर होता है, अर्थात जिनका कभी अंत नहीं होता। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पृथ्वी पर ऐसे 8 चिरंजीवी मौजूद हैं जिनका कभी अंत नहीं होगा। इसमें से कुछ को ईश्वर द्वारा अमरता का वरदान दिया गया है तो कुछ श्राप के कारण अमर हो गए हैं। आइए जानते हैं कि ये चिरंजीवी कौन कौन है। पहले है हनुमान जी। हनुमान जी को अमरता का वरदान माता सीता द्वारा दिया गया है। हनुमान जी जब प्रभु श्री राम का संदेश लेकर सीता जी के पास अशोक वाटिका गए थे, तब सीता जी ने उनकी भक्ति और राम के प्रति समर्पण को देखते हुए यह वरदान दिया था। माना जाता है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर ही वास करते हैं और भगवान राम की भक्ति में लीन हैं। दूसरे है अश्वस्थामा। कुछ लोगों को अमरता श्राप के कारण प्राप्त हुई थी। इस सूची में अश्वस्थामा का नाम पहले आता है। महाभारत के युद्ध के दौरान अपने पिता द्रोणाचार्य के वध का बदला लेने के लिए अश्वस्थामा ने अनीति का सहारा लिया था। उसने पांडवों के सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वस्थामा को यह श्राप दिया था कि दुनिया के अंत तक वह घावों से लथपथ शरीर को लेकर पटकता रहेगा और उसके घावों से सदैव खून निकलता रहेगा। माना जाता है कि इस श्राप के कारण आज भी अश्वस्थामा पृथ्वी पर पटक रहे हैं। तीसरे है राजा बलि। राजा बलि भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद के वंशज है। विष्णु जी जब वामन भगवान का वेश धारण करके राजा बलि की परीक्षा लेने आए थे, तब राजा बलि ने वामन भगवान को अपना सब कुछ दान कर दिया था। इस बात से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें अमरता का वरदान दिया था। माना जाता है कि आज भी राजा बलि पाताल लोक में वास कर रहे। चौथे है विभीषण। रावण के सबसे छोटे भाई साथ ही राम के परम भक्त विभीषण को अमरता का वरदान भगवान राम ने दिया था। रावण के वध के बाद श्री राम ने विभीषण को सोने की लंका सौंप दी और अमरत्व का वरदान दिया। माना जाता है आज भी विभीषण पृथ्वीलोक पर मौजूद है। पांचवे है परशुराम। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के अवतार माने गए हैं। वे भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा तप में लीन रहते थे। उनकी भक्ति को देखकर स्वयं महादेव ने उन्हें अमरता का वरदान प्रदान किया था। परशुराम जी का उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है। छठे है महान ऋषि कृपाचार्य। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु है। महाभारत के युद्ध में ऋषि कृपाचार्य ने कौरवों की तरफ से सक्रिय भूमिका निभाई थी। उनका नाम परम तपस्वी ऋषियों में शामिल है। अपने इसी तप के कारण उन्होंने अमरता का वरदान प्राप्त किया था। सातवें है महाभारत के रचयिता वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद के रचनाकार है। महर्षि वेदव्यास सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र है। उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की है। महाभारत जैसे विस्तृत ग्रंथ की रचना भी वेदव्यास द्वारा की गई है। उन्हें भी अमरता का वरदान प्राप्त है। आठवें है महामृत्युंजय मंत्र की रचना करने वाले ऋषि मार्कंडेय। ऋषि मार्कंडेय भी 8 चिरंजीवियों में से एक है। वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। शिव के अत्यंत शक्तिशाली महामृत्युंजय मंत्र की रचना भी ऋषि मार्कंडेय ने की थी। वह अल्पायु लेकर जन्मे थे, लेकिन यमराज से उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान शिव अवतरित हुए। साथ ही महादेव ने उन्हें अमरता का भी वरदान दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये 8 चिरंजीवियों के बारे में जानकारी, कमेंट करके जरूर बताएगा। हम फिर मिलेंगे दूसरी और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।